वेदांता हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, साथ ही साथ ठंड के मौसम को लेकर नवजात शिशुओं में कैसे बीमारी से उनको बचाया जा सके, साथ ही साथ नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें, इस सभी को लेकर हमारे संवाददाता से विशेष जानकारी साझा की। ठंड और प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे बच्चे बीमारियों से सुरक्षित रहें, इन्हीं सब मुद्दों पर मेदांता हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश पंडिता ने सावधानी बरतने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। आनंद मोहन त्रिपाठी, लखनऊ समाचार 24। जैसे कि आपने, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडित है एंड मैं नवजात शिशु विभाग का अध्यक्ष हूँ। आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है जो कि हमारे काफ़ी सारे माँ बाप जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम बहुत कॉमन है और ऐसा ही नवजात शिशु में भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि घर में अगर किसी को खांसी जुकाम या बुखार हो, नवजात शिशु को उससे दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ इन बच्चों में सबसे पहले छींक आना, नाक का बंद होना, सोने में तकलीफ होना, सांस का तेज चलना या जिसको हम अपनी भाषा में पसली चलना कहते हैं, ये सब लक्षण होते हैं। ऐसे ही माँ बाप को चाहिए कि जैसे ही किसी भी बच्चे को जो कि 3 माह से कम है, अगर उसको कभी भी बुखार आता है तो उसका इलाज हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के ही हो सकता है। एक नवजात शिशु एक बच्चे या एक बड़े बीमार की तरह नहीं होता है। कभी भी बुखार आए तो डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कभी भी अगर नवजात शिशु या 3 महीने से कम वाला बच्चा अगर वो दूध कम पीता है, वो नॉर्मल से कम एक्टिव है, तो ये सब आने वाली बीमारी के लक्षण हैं। ऐसे अगर कभी भी ऐसा माँ बाप नोटिस करते हैं तो उनको जो भी आस पास में बच्चों के डॉक्टर है या नवजात शिशु विशेषज्ञ है उनसे मिलके बच्चे को दिखाना चाहिए।